72 पॉइंट और एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, कृषि की अगली सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, यदि पटसन की चर्चा की जाए तो भारत के कुल लगभग 10.60 मिलियन गांठ का उत्पादन होता है और जिसमें से 7.86 मिलियन गांठ जो है पश्चिम बंगाल में अनुमानित उत्पादित होता है। तो इसका आंसर चौथा पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग सबसे उपयुक्त है? विकल्प हैं धान और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट, चौथा गेहूं और कपास। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट सर्वाधिक उपयुक्त फसल होती है। तो तीसरा विकल्प होगा धान और जूट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? विकल्प हैं पटसन, कपास, अलसी, मसूर, जई, ढैंचा, तीसरा कपास, जूट, सनई, चौथा कपास, जूट, फिर से कपास। तो फ्रेंड्स, रेशे वाली फसलें यदि देखा जाए तो कपास, जूट व सनई है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र में होता है और कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी होती है काली मिट्टी मानी जाती है, जिसका विस्तार सर्वाधिक महाराष्ट्र में या उसके पश्चात गुजरात में पाया जाता है, जबकि जूट के लिए पश्चिम बंगाल फेमस है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। विकल्प हैं उड़द, गेहूं, राई और मक्का। तो फ्रेंड्स, जो है मक्का एक ऐसी फसल है जो विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर उपजाई जा सकती है। तो चौथा विकल्प मक्का होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर। तो अभी फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न पे चर्चा की थी कि मक्का एक ऐसी फसल है जो वर्ष भर की जा सकती है और यदि देखा जाए तो इसे की फसल पकने के लिए 90 दिन से लेकर के 150 दिन का समय लगता है। शीतकालीन फसल की बात की जाए तो शीतकालीन फसल पकने में थोड़ा समय लगता है, जबकि ग्रीष्म या बसंतकालीन फसल जो है कम समय में पक जाती है। एवरेज यदि टाइम देखें तो लगभग 110 दिन का समय लगता है पकने में। तो चौथा विकल्प ठीक होगा, वर्ष भर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मक्का की फसल पकाने की अवधि है। विकल्प हैं 40 दिन, दूसरा 60 दिन, तीसरा 140 दिन, चौथा 110 दिन। तो फ्रेंड्स, अभी लास्ट प्रश्न पे चर्चा की थी कि शीतकालीन फसलों के पकने में थोड़ा सा समय लगता है और बसंत या ग्रीष्मकालीन फसलों के पकने में कुछ समय कम लगता है, लगभग प्रायः 90 से 150 दिन का समय लगता है मक्के की फसल को पकने में। तो विकल्पों के आधार पर देखें तो 110 दिन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है?
ऑप्शन है धान, सोयाबीन, मक्का और चौथा गेहूं। तो फ्रेंड्स, यदि C4 पौधों की चर्चा की जाए तो मक्का व गन्ना C4 पौधे कहलाते हैं, जबकि आलू, तंबाकू, कपास, गेहूं, जौ, राई ये सारे C3 के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। तो इसका तीसरा विकल्प ठीक होगा, मक्का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल। तो फ्रेंड्स, यदि केसर के उत्पादन पर दृष्टिकोण डालें तो भारत में मात्र जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहां केसर का उत्पादन होता है। तो पहला विकल्प ठीक होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? विकल्प है मक्का, प्याज, सोरगम, सोयाबीन। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो प्याज एक ऐसी खेती है जिसके लिए पहले से ही बीज डाल करके छोटे छोटे पौधे तैयार कर लिए जाते हैं और बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण किया जाता है। तो दूसरा विकल्प ठीक होगा, प्याज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? विकल्प हैं धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरिया, गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग। तो फ्रेंड्स, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो फसल चक्र है वो सर्वाधिक उपयुक्त धान, मक्का व गेहूं के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो पहला विकल्प ठीक होगा, धान, मक्का, गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विकल्प हैं विल्सन, राम ब्रह्मचारी, तीसरा हेनरी, चौथा महाराज सुदर्शन शाह। तो फ्रेंड्स, विल्सन एक ऐसे अंग्रेज थे जो भागीरथी घाटी में बसने वाले पहले गोरे माने जाते हैं और इन्होंने ही राजमा और आलू की खेती प्रारंभ वहां पे की, तो जिसके कारण प्रारंभ करने का श्रेय विल्सन को दिया जाता है और इन्हें पहाड़ी या राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम से भी जाना जाता है। तो पहला विकल्प ठीक होगा, विल्सन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है? विकल्प है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। तो फ्रेंड्स, सब्जी उत्पादन में यदि देखा जाए तो चीन का प्रथम स्थान है और चीन के बाद यदि चर्चा की जाए तो भारत का द्वितीय स्थान है। तो यहाँ दूसरा विकल्प ठीक होगा, द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आम की बीज रहित प्रजाति है? विकल्प है रत्ना, बॉम्बे ग्रीन, कृष्णा भोग, सिंधु। तो यदि देखा जाए तो फ्रेंड्स, सिंधु आम की बीज रहित एक प्रजाति है और यह विश्व की एकमात्र ऐसी बीज रहित प्रजाति है। तो चौथा विकल्प ठीक होगा, सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? विकल्प हैं अल्फांसो, आम्रपाली, चौसा, मल्लिका। तो फ्रेंड्स, 1971 में 1971 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से आम्रपाली जो किस्म है इसको विकसित किया गया था। तो दूसरा विकल्प होगा, आम्रपाली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है? विकल्प है आम, अमरूद, केला,
स्ट्रॉबेरी। तो फ्रेंड्स, ललित अमरूद की एक उन्नत किस्म है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेन्स लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? ऑप्शन है चौसा, लंगड़ा, दशहरी, फर्स्ट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यदि आम की नियमित फसल वाली प्रजातियों की चर्चा की जाए तो जैसे नीलम हो गई, आम्रपाली हो गई या दशहरी 51 हो गई, तो ये नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं। जबकि विकल्प में देखा जाए दशहरी फर्स्ट दे रखा है, 51 नहीं दे रखा है, तो इसका चौथा विकल्प ठीक होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंचन एक उन्नत किस्म है? विकल्प है अंगूर, आंवला, अमरूद, आम। तो फ्रेंड्स, कंचन जो है वो आंवले की एक उन्नत किस्म है। यदि अन्य किस्मों की चर्चा की जाए तो कृष्णा हो गई आंवले की उन्नत किस्म, या बनारसी हो गई जो आंवले की एक उन्नत किस्म मानी जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है? विकल्प है अमरूद, आंवला, आम, खरबूज। तो फ्रेंड्स, देखा जाए अमरूद और आंवला दोनों की प्रजातियां बनारसी हैं, जबकि गंगा वाराणसी जैसी किसी प्रजाति का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। तो प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यदि वाराणसी होता या अमरूद आंवला में से कोई एक विकल्प होता तो आंसर टिक किया जा सकता था। तो याद रखिएगा, अमरूद और आंवला की प्रजाति है वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? विकल्प हैं धान, गोविंद, गेहूं, शुष्क सम्राट, अरहर, पारस, मटर, प्रकाश। तो फ्रेंड्स, यदि देखा जाए शुष्क सम्राट जो है ये धान की फसल है ना कि गेहूं की, तो दूसरा विकल्प सुमेलित नहीं है, गेहूं शुष्क सम्राट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अपना लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? विकल्प हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो केले के सर्वाधिक उत्पादन के लिए यदि देखा जाए फ्रेंड्स, तो नंबर एक पे आता है गुजरात और नंबर दो पे आता है आंध्र प्रदेश और नंबर तीन पे आता है तमिलनाडु, जबकि अपना उत्तर प्रदेश यूपी चौथे नंबर पे आता है। विकल्प में गुजरात या आंध्र प्रदेश दे नहीं रखा है, तमिलनाडु दे रखा है। तो उपयुक्त विकल्पों के आधार पे आंसर होगा तमिलनाडु। तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक्स।